बस वेलकम टू असम मना है तालियां बहुत ज्यादा भाई। इतनी एपिसोड्स हो चुकी हैं, मैं क्या क्या के थक गया हूँ, हंसना मना है। कट जाती हैं जेबें वहाँ सुनता हूँ मैं अक्सर, सो भीड़ जहाँ पर हो वहाँ फंसना मना है। सो भीड़ जहाँ पर हो वहाँ फंसना मना है। मेरी सुनो ताबिश, मेरी सुनो आज सुना ना, मेरी सुनो ताबिश मियाँ और मुझको बताओ, जब बात हो हंसने की तो क्यों हंसना मना है। बहुत अच्छा, मुकर्रर 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 बैठ के सुनो भाई। वाह, देखे बात यह है कि कट जाती हैं जेबें वहां वहां पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट कट जाती हैं जेबें वहां अक्सर, सुनता हूँ मैं अक्सर, सो भीड़ जहाँ पर हो वहाँ फंसना मना है। बिल्कुल, मेरी सुनो ताबिश मियाँ, वाह गम है शेर में। मेरी सुनो ताबिश मियाँ और मुझको बताओ, क्या भला कि जब बात ही हंसने की हो क्यों हंसना मना है। बेहतरीन, बहुत बहुत वाह वाह वा भी अच्छी है, तालियां भी अच्छी हैं, शोखुशंग मुंडों की शोखियां भी अच्छी हैं, शोखुशंग कुड़ियों की शोखियां भी अच्छी हैं। सब पे नजर, सब पे नजर। और मैके जो रहे जाकर बीवियां भी अच्छी, मैके जो रहे जाकर बीवियां भी अच्छी हैं, सास अगर न साथ आए सालियां भी अच्छी हैं, साड़ियां भी अच्छी हैं, घर चले ये पानी से पेट्रोल न सीएनजी, खोतियां भी अच्छी होतियां भी अच्छी हैं भाई। वाह, होतियां भी अच्छी हैं, आते ही बड़ा डाले रेट तूने पेट्रोल के। वाह, आते ही बड़ा डाले, आते ही बड़ा डाले रेट तूने पेट्रोल के, शाहबाज तेरी शो बाजियां भी अच्छी। अभी तो गेम शुरू हुई है। आज जो हमारे गेस्ट दोनों एक्टर्स हैं, आपस में शादी कर चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं शादी में, स्टिल अंडर वारंटी, खुश खुश लग रहे हैं, बुलाते हैं और उनको मजीद खुश करते हैं, उनको खुश देकर खुद भी खुश होते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हिबा बुखारी और आरी जमात। तुम जा रहे हो कब? जब तुम सच्चे दिल से मोहब्बत का इकरार कर लो और हमारी शादी हो जाएगी तब। यार कब से इंतजार कर रहा हूँ, बड़ी देर लगा दी तुमने। टैक्सी ड्राइवर थोड़ी हूँ, राइटर हूँ। मक्कार बेटी रुशना पर, जिसने मेरे भोले भाले मासूम बेटे को झूठ बोलना सिखा दिया है। चलती रहनी चाहिए प्लीज। वेरी नाइस वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। लेकिन कतई मतलब ये नहीं है कि मनाए, ये ऐसी हमने शशके क्यों जिस चीज से मना कर, आपने देखा नहीं यहाँ ये करना मना है, वो हो रहा है, इसीलिए हंसना मनाए, शायद लोग उल्टा करें। ठीक, अच्छा सोफे पे बैठे माशाल्लाह, इसकी तो आदत होगी अभी 5-6 महीने ही हुए हैं शादी को, 5 महीने सोफे पे, एग्जैक्ट 5 महीने आज सिर्फ क्या कहते हैं मंथली बर्थडे आज छोटा कपल है। खुद दूल्हा बनने का एक्सपीरियंस रखता हूँ, पर्सनली दूल्हा बनाऊंगा,
तो ये दूल्हा होता है उसको ये पूरे वक्त यूं बैठना पड़ता है, खास तौर पे शादी वाले दिन जहाँ सारे लड़की के रिश्तेदार होते हैं, ये हमारे मामू हैं मुस्कुरा ऐसा हुआ? अच्छा ऐसा तो होता ही है, लेकिन जो मजे की बात हुई वो कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे कि मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है exactly. और इन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है 80 बंदा आने वाले नहीं पता. अच्छा हमारे क्योंकि बहुत ही करीब के लोग थे, हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन उसके अंदर ये हुआ था कि जितने लोग थे वो ऐसे लोग थे कि हम यूं देख रहे थे कि कौन है ये, कौन है, और वो आते थे, वो पिक्चर्स बनाते थे और फिर वो नहीं उठते थे, और वो सगों से ज्यादा मोहब्बत से मिले हमसे. जीती रहो इतने से थे तब देखा था मैंने कहा उसके बाद क्यों, कहाँ थे आप, कहाँ थे, हैं कौन. लेकिन इट वाज फन, मजा ऐसे आया था कि हम दोनों की तबीयत खराब थी उस दिन, इनकी निकाह वाले दिन तबीयत खराब थी, मेरी रुखसती वाले दिन तबीयत खराब थी, हम दोनों वी वर डाउन विद फीवर. बहुत लोगों की कोशिश के बावजूद हमने शादी कर ली माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं आरिज और मैं. नॉट फनी, नॉट फनी. अब तो आप शादी कर चुके हैं जी, तो अब आ रहे हैं जोड़े में डील आ रही है कि आप दोनों को हायर कर रहे हैं? आती है, आ रही है और करना चाह रहे हैं. अच्छा कुछ कर, क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. तो यानी अच्छा नहीं आ रहा अभी तक? हाँ मतलब उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा हमें चाहिए. वही रोना धोने वाला दिखा रहे हैं आखिर में, रोना ही पड़ेगा हिबा को, रोने के पैसे भी तो बहुत. रोना धोना भी ठीक है लेकिन अच्छा रोना धोना हो, किसी वजह की वजह से रोना धोना भी क्या रोना धोना. अच्छा आरिज जी मुझे बताएं, मैं अभी शादी में ही डूबा हूँ क्योंकि रिसेंट इवेंट है ना, आपने ज्यादा स्पॉन्सर भी नहीं करवाए, कुछ ज्यादा फ्री की चीजें भी नहीं लगवाई, कोई 50-60 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, कोई एक्सपेक्टेड था कि बहुत सबको एक वो था कि भाई हिबा की शादी आरिज की शादी हो रही है, उम्मीदों पे हमने भरपूर पानी फेरा है लोगों. हाँ यार कोई एक शादी से कर ली है, ये कोई स्टार होता है, ये कोई सेलिब्रिटी होती है. आप भाई एक एक बार दोबारा करें, महंगी शादी करें आपस में दोबारा करें, स्पॉन्सर्ड शादी हो, ऐसा हो कोई लगा हुआ हो, हाँ कि लोग आके मतलब कोई गाना बजे तो हम उसमें अच्छा, डांस भी करें, उसके अलग पैसे, उसके अलग थे, अलग पैसे, अलग थे, कुछ रखा हुआ है उसके एक अलग, आया था बीच में दो थे जिन्होंने कहा था कि हमारे जिंगल पे आप लोग जरा बीच में डांस कर लीजिए, जिंगल पे डांस, जिंगल सलामत रहे डांस करें दूल्हा दुल्हन. अच्छा मजेदार बात है, बहुत सारे लोगों ने किया और जब हम देखते थे तो हमने एक दूसरे को दिखाने का यार ये देखो तो दिल है, बुरा तो नहीं है, बिकॉज मतलब वो हमारे सही इतना है इसमें, द पॉइंट इज कि जो हमारे पूरे इवेंट के पैसे थे वो हमें मिल रहे थे उससे, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, एंड वी वर लाइक कि वी डोंट वांट टू मेक आवर इवेंट जो कि हमारा एक बहुत पर्सनल इवेंट है कमर्शियल उसको, हाँ, उसको हम नहीं करना चाह रहे थे. अच्छा ये जिंगल से याद आया, एक जमाने में जिंगल जो होते थे ये अजीब से होते थे, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता, जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें मुट्ठी बंद क्यों, उसने आपके वाली हरकत की ना. देख रहा हूँ हिबा तैयार होकर आई है, सीख कर आई है, गूगल किया. अच्छा जूता छुपाई हुई कितना रेट चल रहा है, उंगली पकड़ाई और जूता छुपाई रेट बहुत कंजूस. उन्होंने दूध पिलाने से शुरू किया, उन्होंने कहा दूध पिलाई, कहते इसमें क्या है, मुझे नहीं पीना, मैं पी लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है पैसे ही नहीं है. फिर उन्होंने उंगली पकड़ ली, हाँ कहते पकड़ लो, ये लो हाथ पकड़ लो. इतनी सारी खवातीन ने उंगली पकड़ ली, मैं क्यों छुड़वाऊं, मैं ये भी बोल दो इसके मैं पैसे दूंगा आप छोड़े. आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है लड़का, 5 महीने बाद है ऐसे ही जानते पूछते हैं उन्होंने शादी की यार इतनी मुझे तो ये रस्मों से तंग आ गया था मैं. अब देखे ना गाड़ी से उतरते ही रस्म शुरू हो जाती है, उतरने नहीं देंगे. अच्छा हमारी नहीं हुई थी, हमारी ये भी ऐसी हुई थी कि मतलब कर लेते हैं कि एक कर लेते हैं मतलब कि चलो कुछ ऐड कर लें, वरना हम लोग लिटरली सोफा पे यूं ही बैठे थे कि ये क्या है वो कहाँ है. अच्छा जब हम नहीं जानते कि वो कौन है जो हमारे साथ पिक्चर्स बना रहे हैं और हमारी फैमिली वाले कोई नजर नहीं आ रहे और हमारे गले बैठे हुए और हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि अम्मी कहाँ है, अब्बू कहाँ है, बाबा कहाँ है. मेले में की थी शादी? नहीं क्योंकि आगे इतने लोग कवर थे, उन्होंने आने नहीं दिया सगे रिश्तेदारों, मतलब पूरे स्टेज के सामने लोग ऐसे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे हमारे आगे कि हम यूं करके देख रहे थे कि अच्छा ये क्या हुआ है. प्लस हम अच्छा हमने ड्रेस, हमने कहा कि स्टेज ऐसा होगा, एंट्री ऐसी होगी जैसे होता है, होते हैं गाने तैयार होते हैं, गाने क्या तैयार होते हैं, यूएस भी नहीं चल, हम एंटर हो रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं आंखों में आंखें, हाथ में हाथ. लेकिन अभी इसके बाद गाना नहीं चला, नहीं गाना तो नहीं चला, लेकिन इसके बाद एक और चीज है. अब हम यूं आ रहे हैं और फूल हमारे ऊपर आए और ये कह रहे ये मुझे फूल मार क्यों रहे, और मैंने इसको देखा और हम हंस रहे हैं उसके ऊपर, हमारा बड़ा
अच्छा वीडियो के अंदर तो बहुत अच्छा सा आया वो मोमेंट, क्योंकि अंदर हम बहुत हंस रहे हैं। शादी में इतनी रस्में होती हैं कि गाड़ी से लेकर फिर शादी के गेट हॉल के भी गेट पे रोक देते हैं। इसमें हमारे पास ना ज्यादा रस्में हुई, हाँ वो एक जबरदस्ती की रस्म थी कि मतलब बस ये उंगली तो पकड़वानी है, मतलब ये कर लो, ये ऐसे थी कि ये तो कर ही लो। उसके बाद जब हम वापस गए हैं कमरे के अंदर, तो मतलब पूरी फैमिली ने, इनकी फैमिली ने जितनी रस्में की और मुझे इनके अपने घर वाले बुरे लगने लगे। ये तो होता है बेटा, खीर खिलाओ, अब खीर में दुल्हन को पीछे कर देंगे, आपका हाथ आगे कर देंगे, हाँ जाए, हाँ और हमारा दिल नहीं चाह रहा था खीर खिलाने का और खाने का, अब दुल्हन का क्यों करेगा। ऐसे था कि हम लोग वी वर सो टायर्ड एंड सो स्लीपी कि मतलब हम लोग एक दूसरे को यूं करके देख रहे हैं कि अच्छा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अच्छा आ जाओ उधर आ जाओ, ये हो रहा है। अच्छा हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी न्यू, अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने कहा जल्दी करो खाओ खीर, खीर नहीं थी क्या था कि पैसे रेस्ट। भांजे भांजियाँ मुझे बड़े प्यारे हैं अपने, लेकिन उस दिन कोई प्यारा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा लो पैसे जाओ यार, इसने नहीं बोला, आई टेल यू इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने ये किया नहीं, उस दिन बैठे में कितने दूंगा, इतने नहीं, ही इज अ लायर, ही वाज सिटिंग ऑन द सोफा एंड ही वाज लाइक दिस, यार छोड़ो यार, वो कह रहे 10,000 कोकोमो ले लो, कोकोमो ले लो। अच्छा उनमें से माशाल एक प्यारी सी बच्ची थी जो कहती है हाँ ठीक है मैं कोकोमो पे राजी हूँ, उसमें से दो बच्चे थे जो जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो इतने ही पैसे लेंगे, मम्मी ने बताया होगा मुझे बड़ा पैसे लेना, बच्चे ऐसे ही माशाल्लाह प्यारे प्यारे से। अच्छा ये ही लाइक माशाल्लाह प्राउड ऑफ यू, तुम मेरे भांजे हो यार, ये तो गलत बात है। हाँ अच्छा ये मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं वहीं जाके बैठ गई, मैंने कहा चलो साथ ही जाएंगे कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे, मैं भी तो एंटरटेन हूँ, हो ही रहा है तो मैं भी एंटरटेन हूँ भाई। हुआ ये हमारी इतनी रस्में होते होते हम होटल पहुंचे, अब होटल पहुंचने पे हमारी बहनें पहले से कमरे में मौजूद थी, हमने फिल्मों में देखी थी ये शादी होती है ना, तो उसमें मैंने हमेशा देखा था कि वो जो दूल्हा होता है उसको उसके दोस्त धक्का देके कमरे में भेज रहे होते हैं, फिल्मों में तो ये दिखा रहे होते हैं कि दूल्हा ना हमेशा यूं करके कमरे में आ रहा है और शर्मा रहा है, एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ तो कमरे में जाने ही नहीं देता कोई, ऐसे ही पहले से बहनें अंदर मौजूद थी, तुम बाहर जाओ, उससे मतलब की क्यों है शादी मेरी तुम लोगों यार जी, वो भी पैसे मांग रहे हैं, अब तो दूल्हा शादी से पहले ही काफी खर्चा हो जाता है, कमरे बनियान में जा रहे हैं, खर्चा हुआ है, कितने पैसे दिए थे आपने मेरी बहनों को? 1.5 लाख ये तय कर ले आप लोग, 1.5 लाख दिया मैंने, झूठ नहीं, सिर्फ उंगली छुड़वाने के लिए, झूठ नहीं, देख रहे इतने में आ जाती है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हालात बहुत खराब है ठीक है, आप बोलोगे 1.5 लाख वो कोई बोलेगा इसके बाद 1.5 लाख अपने आप को छुड़वाने के कितना देगा। अच्छा मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने सलामी में ऐसी दिए थे जो आ रहे थे ना जेबों में जो वहां से आ रहे थे, आपको पता है ये, लेकिन मुझे कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं रखवाल अब यूं ना साथ में, कोई बात नहीं, मैंने कहा थोड़े से बढ़ा दो, ये क्या 5,000 क्या बात करो 5,000, मैंने कहा 3-3 तो है मतलब कुछ तो देख लो आगे पैसे कम हो जाएंगे सलामी में से, जाना है देख लो पैसे क्या कर रही हो, तो देख लो उसी में से जाएंगे देख लो, अब मैं यूं करके इसको यूं देखा है, मैंने कहा ये क्या 2 दिन हमारे ऐसा सी आज जब मैं बहुत अच्छा मुझे याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी सास ने मुझसे कहा था कि हिबा को कहना जैसे हिबा उनकी छोटी बेटी है, हिबा को कहना अपनी तस्वीरें मत लगाया करे सोशल मीडिया पे कपल की नजरें लगती है, तो ये उन्होंने अच्छा हमें ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, सही है बहुत अच्छी, आप लगाते भी कमी है वैसे, हम कम लगाते हैं, जिनका अच्छा चल रहा है वो लगाते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन यस मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा कम ही मतलब सारी चीजें, हाँ और क्या यार। अच्छा आप ये एक प्रॉब्लम है जैसे हम भी घूमने जाते हैं मियाँ बेगम, हम भी मुल्क घूमते हैं मगर हम वहाँ पे क्योंकि आंखों से देख रहे होते हैं तो तस्वीरें नहीं खींचते, मैं बिल्कुल भी नहीं खींचता, तो लोगों को लगता है कुछ करते ही नहीं है, हाँ ये भी है तो अच्छा आजकल का एक थोड़ा सा ये भी हो गया ना कि लोगों को थोड़ा सा दे आर मोर इनटू इट, दे आर मोर इनटू सोशल मीडिया कि उन्हें हर चीज़ देखनी है, वो आपका टिकटॉक पे लगानी भी है, पोस्ट भी करनी है, जैसे हम आज ही बैठे हुए थे, हम खाना ऑर्डर किया तो बड़ा खूबसूरत लगा वो हमें खाना, हमने कहा पोस्ट करें, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप जैसे पोस्ट करते हैं तो अपने घरों में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हमें आई एम सो सॉरी दिस इज़ वेरी इमोशनल, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है तो वाई टू शो ऑफ समथिंग कि आपके पास है अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बट खाना या कुछ इस तरीके की चीजें इट्स लाइक वुमन एंजॉय करें अपने हस्बैंड के साथ बैठ के तस्वीर खींच रहे, हमने श्रीलंका की कुछ तस्वीरें लगाई, हां बैंकरप्ट करके आए दोनों श्रीलंका को, सारा पैसा लूट के, हमें लोगों ने कहा लोग कहां चले गए, ये कोई जगह जाने वाली बहुत खूबसूरत जगह ऐसे लगता है, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस। अच्छा ये आप देख रहे हैं खूबसूरत लोग बैठे ऑडियंस में, बिरयानी प्लस 200 ईच, ये आपके लिए दिलों में कोई सवाल लेकर आए, इनके दिलों में सवाल उठ रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। क्यों
चलना क्या नाम पूछ बताने आए हो आज से मोहम्मद नदीम। अरे इसके आगे तो चलो रिपीट पे लगे हुए हो मोहम्मद नदीम, तो एक और बार बोल दो। सर मेरा सवाल ये था किससे? अरीज साहब से। तो शर्मा क्यों रहे अरीज साहब से? आरिज से इतना शर्माते हुए किसी को? हिबानी शर्मा रही इतना जितना आप शर्मा रहे। एक सवाल था सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हारिस भी एक्टर, हारिस भाई, हिबा बुखारी भी, तो इन दोनों में से ये किसको बेस्ट एक्टर्स कहेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स हैं, तो ये खुद को एक दूसरे में से या वैसे एक दूसरे में से, एक दूसरे आप में दोनों में से आप खुद को बेटर समझते हैं या इन्हें बेस्ट एक्टर? ऑप्शन ही क्या है आप वैसे क्यूट लग रहे हो, कौन है? लग रहा है कि सवाल लिख के दिया गया है, थोड़ी सी भी एक्टिंग नहीं कर पाया है लड़का। हाँ, तो भाई ये पूछ रहे हैं कि आप आरिज समझते हैं कि ये बेहतर एक्टर हैं या हिबा समझती हैं कि आप? हिबा तो सच बोलती हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो मैं ही तो हूँ, सच है, वही अच्छी है। हाँ, पक्की बात है। वी वर्क टुगेदर और शी इज वेरी वाइज। अच्छा, पहला ड्रामा भी साथ किया है ना आप लोगों ने शायद, वहीं से टेक्निकली ये कार्रवाई वहीं पर डाली इन्होंने वहां में। आरिज ये बताएं आप मुझे जरा, भोली बानों में हम दोनों बहुत भोले भोले थे, फिर क्या हुआ? सही कह रही है। बहुत वी वर वेरी, कभी हिंट्स भी नहीं दी इस लड़के ने? हिंट्स दी मैंने, हिंट्स दी, लेकिन उन्होंने ली नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं दें हिंट्स, ना दें, आप बहुत बुरे लग रहे हैं, आपकी दाल नहीं गलेगी। नहीं, आश्री हिंट्स मिलती हैं तो मैं, मुझे जैसी पहली हिंट मिलती है मैं उन्हें कहती हूं नहीं इधर नहीं उधर कहीं और, उधर मैं डाइवर्ट, डायरेक्टर साहब पे देखो, और चला गया। अरे यार, इन्होंने बोला वहां से जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने इनको बोला था कि मत देखें, मैंने इनको नहीं कहा था कि कहीं और जाएं। अच्छा, ये कहा था मुझे मत देखो मगर कहीं और भी मत जाओ, इंतजार में वो पागल है वो बंदा, बैठा रहे यार, मैं ऐसे देखता हूं। तो अच्छा, नाराज ना हो, अब हो गई है शादी, अब कुछ बात चलाएं आगे। आई लव यू बेबी। अबे तू तो बैठ जा यार। उसको जवाब नहीं मिला अभी तक, जवाब नहीं मिला ना उसे भाई, वो उनको समझते हैं ना, हो गए तेरा जवाब, तसल्ली हो गई, छोटी सी उम्र में इस सवाल का क्या मकसद? बहुत बड़ा सवाल लेके आया लड़का, तुम कैसे क्या करोगे ये जान के कि इनमें से कौन किसको बेहतर एक्टर है? क्या इसकी लॉजिक बताओ, अकॉम्प्लिश क्या कर लिया? पास हो गया, क्या हो गया तेरा, पैसे बढ़ गए तेरे बेटा, कुछ भी नहीं, वो वैसे ही बैठा हुआ उधर। मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू मोहम्मद, आपने सवाल पूछा। ब्रेक लेनी है काजी नजरात, प्लीज ब्रेक लीजिए और वापस आइए, प्लीज आइए ना, बाय, जोर से बताएं ये बात, यहाँ देख के बताएं। हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ है कि मतलब मैं अगर अभी से करूंगी उनको अच्छा लगेगा शायद कि हाँ ठीक है, ओह सो स्वीट, बेबी रोक रही है, मत जाओ, क्यूट लगेगा। हाँ नहीं, लेकिन मतलब वो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना वो पैसेज ऑफ टाइम विल बी लाइक मतलब बेबी जरा सो जाओ। खवातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू अस्सलाम अलैकुम, मेरे साथ मौजूद है हिबा बुखारी और अरिज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। मोहम्मद अवैस करनी। हैं? मोहम्मद अवैस करनी। मोहम्मद अवैस करनी, बहुत अच्छा नाम है। आपके साथ आपके दोस्त हैं लेफ्ट और राइट पे? जी मेरे दोस्त हैं क्लास में। सब सफेद शर्टें पहने में, एक ही थान से हैं, एक साथ पढ़ते हैं, सफेद शर्ट्स क्यों पहन के आए? बस वैसे ही आज का मोटिव बनाया, एक मॉल आज सफेद चिट्टा पहन ले आज। जी बिल्कुल। क्या करते हो अवैस? मैं बीएससी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अरे वाह यार, तो बहुत महंगी। हिबा आपको तो गाड़ियों का शौक भी है, ये तो मुझे याद है, हिबा को वाकई में गाड़ियों का शौक है, जो फुल लड़के चलाते ना इस तरह टेढ़े हो गए। याद है यार, अभी है वो भेज दी जहेज में, तूने लिया ही सिविक है। अच्छा, रुखसती में गाड़ी इन्होंने तो नहीं चलाई? नहीं नहीं, ये नहीं करने दिया आपने? रुखसती में नहीं चलाई। अच्छा हाँ, सवाल पूछो रणवीर सिंह। आज का मेरा इन कपल से सवाल है, इन कपल से, इनसे और इनसे आज मेरा सवाल है कि अगर ये एक्टर्स ना होते तो ये क्या होते, इनका पैशन क्या होता? वाह वाह, एक्टर ना होते, पहले अलग अलग ही पूछेंगे, अलग अलग इंसान हैं ये दोनों। मैं या क्रिकेटर होता या फिर मैं जीटी पायलट होता। जीटी पायलट, वाह वाह वाह, समझे। आर्किटेक्ट या फोटोग्राफर? आर्किटेक्ट या फोटोग्राफर होती। हाँ, आर्किटेक्ट या फोटोग्राफर। अच्छा, पता चल गया, लाइफ बन गई, लाइफ बन गई, लाइफ बन गई इस बात से, आप सुकून की नींद सो गए। यही सवाल यार, हिबा क्या होती, क्या होती अगर एक्टर ना होती? वेरी गुड यार, आपके बराबर में जो साहब बैठे हैं इनसे बात करना चाहूँगा जिनकी बनियान नजर आ रही है।
क्या नाम है आपका? तैयब इकराम। यार अब तोड़ के कलफ क्या पी कर आए हो? और रिलैक्स हो जाए यार, रिलैक्स रिलैक्स, यूं जाओ, यूं जाओ। गर्मी बहुत है ना इसमें। क्या क्या तैयब इकराम नाम है, क्या करते हैं तैयब? BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। भाई सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, डिग्री का नाम लेने में 4 साल लग जाए। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग अलग है टेक्नोलॉजी अलग है जी। वेरी गुड, कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंजाब टाइजन यूनिवर्सिटी ऑफ। पंजाब टेंशन यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, चाइना की कोलैबोरेशन से यूनिवर्सिटी बनी, क्लियर कर दूँ, नाराज ना हो जाए बच्चे वहाँ के। पाक चीनी भाई भाई। हाँ पाक चीनी भाई भाई, पाक चीन दोस्ती। ये सारे तो ये तुमसे मैं तैयब, आपको दिल में सवाल, ऐसा सवाल इनसे ताल्लुक ना भी हो, मैं आज कुछ सवाल पूछ लो, पूछो ना, बस ये ना पूछ लो ना कि मतलब आपको कबूल है ये नहीं, बस कोई ऐसी सिंपल सादा सवाल जो दिल में हो, आइंस्टाइन की कोई इक्वेशन पूछ लो, कुछ पूछ लो। ये कि इनका मतलब जो फर्स्ट ड्रामा था और उसके बाद जो अब मतलब के ड्रामा, ये चाहते हैं कि कोई भी जो ड्रामा इनको कोई रोल उसमें इकट्ठा मिले, वो इकट्ठा रोल प्ले करें कि ड्रामे में इकट्ठा प्ले कर लें। ठीक, उसने अभी सवाल बनाया। अच्छा सही है, ठीक है, इसको हम ये मुझे लग नहीं रहा सांस ले रहे तब पे तैयब। हां यार तैयब भाई सांस ले लेंगे। आई थिंक ही मींस के हमने जो पहला ड्रामा किया था उसके बाद हम चाहते हैं वापस काम करना, तो हां बिल्कुल चाहते हैं काम करना, चाहते हैं यार ये लोग। अभी तो 5 महीने ही हुए हैं अभी तक तो चाहते हैं। एज एन एक्टर हमने साथ में एक ईद की टेलीफिल्म की है, शादी के बाद ही की है। शादी के बाद काम करने में और शादी से पहले काम करने में बहुत फर्क है। पैसा ज्यादा है, पैसा एक ही घर में डबल आ रहा है। हाँ ये भी है, ये तो प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये प्लस है। उसके अलावा काम करने में भी आई थिंक कम्फर्ट लेवल ज्यादा अच्छा था, ज्यादा बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए आसानी हो गई थी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जो कट जाएगा, क्लियर कर दी। ताली बजा रहे थे। अच्छा अब एक गेम खेलेंगे आपसे, गेम का नाम है या, या इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला, या यानी कि और, तो मैं दो ऑप्शंस दूंगा उसमें से एक सेट करना, दोनों से खेलूंगा। आरएस के ड्रामे या आरएस के ड्रामे, आरएस के ड्रामे नहीं, हां नहीं ड्रामे ही करते होंगे ना ड्रामे। अच्छा दोस्तों में जाते हैं रात में हम लोग, या तो साथ जाते हैं इनके दोस्तों में, या अगर ये जाते हैं तो मैं मम्मी के घर चली जाती हूं। हम ये तभी आप जाते होंगे, इसीलिए जाते होंगे, रास्ते में पड़ता है मेरे दोस्त का अम्मी का घर। हाँ ये अच्छा है यार, ये रास्ते में पड़ जाए ना अम्मी का घर। अच्छा ये मैंने सुना है और मेरा एक्सपीरियंस भी किया कि आपको जो जिगरी दोस्त होता है ना, बेस्ट फ्रेंड, उससे बहुत हटती है बेगम की। नहीं इसकी दोस्ती होगी। अच्छा इवन देन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी एक स्पेस देनी चाहिए कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। जोर से बताएं ये बात, यहां देख के बताएं। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है कि मतलब मैं अगर अभी से करूंगी उनको अच्छा लगेगा शायद कि हाँ ठीक है, ओह सो स्वीट बेबी रोक रही है, मत जाओ, क्यूट लगेगा। हाँ लेकिन मतलब वो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना वो पैसेज ऑफ टाइम विल बी लाइक कि मतलब बेबी जरा सो जाओ, मतलब बेबी सो जाओ, आप खाना खाओ और सो जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। हां सो आई डोंट वांट दैट कि हम उसको उस नॉच पे क्यों लेकर आए। बहुत ही अच्छा भाई, मैं आपको बता दूं अभी आपके 5 हुए हैं महीने शादी के, ठीक है ना? वो मुझे बताएं आप, इनको ये सब सीखे हुए हैं और ये फिर लग रहे हैं आंखों में, इस लड़की की आंखों में ट्रेनिंग नजर आ रही है। ये आप मुझे बताएं, मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो आरिज भाई, शुरू में ना बंदा इमोशनल होता है, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर देता है, देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, he doesn't do any of it। बहुत अच्छा भाई, तैयार लड़के हो तुम, तैयार लड़के, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार लड़के, और माशाल्लाह से ये मुझे कहते हैं कि अच्छा बताओ ना ऐसे होगा ना, एंड आई एम लाइक फील्डिंग घड़ी घसी पड़ी है भाई, बहुत 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 अच्छा, मैंने प्लेट कर रहा हूं ऐसे वाला करके, मतलब पहले के हां अम्मी के घर जाने से कौन रुकता है, अम्मी के घर जा रही आज, अम्मी के घर नहीं जा रही, आ रहा हूं, मतलब वो ऐसे होता था पहले कि अम्मी के घर जाने से कौन रोकेगा, क्या हो गया, ये कोई बात है कहने वाली, और अब अम्मी के घर जाने फिर जाना है। ओ, ये तो होता है। 30 गुजारे हैं अम्मा के घर, अब क्यों जाना? मसला ये है कि हम ये कहते हैं ना फिर जाना है, इसमें हमारी दिल से नहीं निकल रहा होता ये फिर नागवारी, वो हम ये इसलिए बता रहे होते हैं कि कहीं आपको ये ना लगे कि हम खुश हैं आपके जाने से, जबकि हम हैं। I love you baby. I love you. सब चीजों का इलाज I love you baby. आप देख रही हो ना I love you. अच्छा अभी एक ही सवाल हुआ है भाई या का, आरएस के पास आऊंगा, हिबा की खामोशी या हिबा की डांट? हिबा की डांट क्यूट है दादा, शुरू शुरू में ऐसा ही खामोशी
खामोशी भी खामोशी इज वेरी डेंजरस. हाँ ये भी तो है. नहीं वो रहती है फिर उसके आप पे नहीं पता कि में क्या है. बहुत अच्छी बात की आपने. मैं यूजुअली खामोश हो जाती हूं तो इट्स मोर. हां यार मुझे खामोशी बहुत किलर होती है भाई. डांट निकल गई उसके बाद फिर जो कि बहुत रेयर है. मैं नहीं हमारे बेगम भी वैसे खामोश हो जाती है तो ऐसा दिल धक धक कर रहा. नहीं नहीं अच्छा जुनैद खान या सैयद जिब्रान. जुनैद खान या सैयद जिब्रान. सैयद जिब्रान. हां सैयद जिब्रान अच्छी भी हमारे शो में भी आते हैं. जुनैद भी अच्छे हैं. ही इज अ सीनियर और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. आयजा खान या रमशा खान. इजी रमशा खान. अच्छा 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 आयजा क्यों नहीं. काम नहीं कहना उनके साथ. अच्छा इसका काम करने वो अच्छे लगेगा आपको मतलब. हाँ रमशा इज अ नाइस को एक्टर. हाँ होता. देखा आपने कितना स्ट्रेट फेस रख के. मैंने बिल्कुल आपने स्ट्रेट को पता ही नहीं चला. पता ही नहीं चला कि हाँ क्या है रमशा. वेरी प्रोफेशनल रमशा यार. अच्छा अब हिबा दुनिया जानती है कि आपको गाड़ियों का शौक है. गाड़ी चलाने का थोड़ा बहुत छोटा बहुत काम भी आता है आपको. टाइमिंग बेल्ट वगैरह तो आप बता ही देती हो खराब है कि नहीं. तो ऐसा होता है कि अब मुश्किल जगहों पे आप कहती हो बड़ा तुमसे नहीं बेटा तो नहीं कहती होंगे. आर एस तुमसे नहीं होगा पीछे आ जाओ रहने दो मैं चलाऊंगी. हाँ ये मैं खुद ही कह देती हूँ. यहाँ मुझसे नहीं होगा. यूजुअली जो रश आवर्स होते हैं उसमें मैं ड्राइव करती हूँ या कहीं दूर जाना होता है तो मैं ड्राइव करती हूँ या कोई ऐसी कोई छोटी सी जगह होती है तो फिर आई एम लाइक क्या आप इधर दे दो आपसे नहीं होगा. नहीं नहीं आई डोंट से दिस. नहीं तो मैं चला लेती हूँ प्यार से. ईगो भी हर्ट नहीं करनी. हाँ वो छुपा हुआ मतलब तो ये ना कि तुमसे होगा नहीं तुम इधर आए हो बड़ा तुमसे हो नहीं. अच्छा ये बताएं नहीं इतना घबराने की जरूरत नहीं. जैसे मैं जब मैं गुस्से में नहीं आता मगर गाड़ी में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है मैं पर्सनैलिटी दूसरी हूँ. इतनी गालियाँ ऐसी ऐसी गालियाँ जो ना सिर्फ गंदी हैं बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल. तो आप में से कौन है वो जो गालियां देके गाड़ी चलाता है. दोनों कोई भी नहीं. गालियां वाला नहीं है हमारा. सीधा मार ही दिया. हाँ मैम ये होता है. अच्छा अब ये करती छोड़ दो जाने दो. मेरी एक आदत थी कि मैं अगर किसी ने साइड मारी है तो साइड मार के ही जाऊंगी. सही है साइड पे साइड बनती है. साइड पे साइड बनती है कि आपने गलत साइड से आए हैं तो साइड बनती है. मुझे अगर आपने मुझे डिमर दिया है आपने मुझे डिमर दिया और मुझे आगे गाड़ी का रास्ता ओ प्लीज क्योंकि मैं जियो पे बैठी हूँ और ये शो लोग देखते हैं प्लीज मैं कहना चाहती हूँ. आफ्ताब यहाँ है. आफ्ताब सुनो बेटा सब सुनो प्लीज सुनो कि रास्ता देना सीखे. वेर एवर आप रोड पे हैं आप दुनिया में किसी भी काम में किसी भी जगह पे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोड पे ही रास्ता देना सीखे. कहीं किसी की कोई और अपॉर्चुनिटी बनती है उनको रास्ता दें. बहुत अच्छी बात. इससे कुछ नहीं होगा इससे आपका भी अच्छा ही होगा. एक सेकंड रुकिएगा मैं वो कर लूँ जो मैं मुझे बहुत जरूर करना है. जरूरी करना है ब्रेक. खालिदीन आजाद प्लीज एक ब्रेक लीजिए मैं वापस आऊंगा. एक्सक्यूज मी दादा जान. कौन हो तुम. मैं मिस फौजिया हूँ आपके. ये दिस इज योर ग्रैंड. अरे मुझसे मिस कैसी हो गई तुम. एक बात पूछना चाहता हूँ. प्लीज फरमाइए. जब आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं जी जी बिल्कुल पूरी आ जाती हैं. वेलकम बैक टू असलम जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं रेवशिंग हिबा बुखारी और अरीज अहमद. तो अच्छा शादी के बाद होता है ना वो फिल्म आई थी इंडिया की हम साथ साथ हैं उसमें बस में बैठ के जा रहे होते हैं. तो कभी ऐसा कोई फैमिली ट्रिप. टंकी से और ये तेरी जेब से मिला है. इसका क्या इसका काम क्या तेरी जेब में. अरे यार पेट्रोल के नशे कैसे कैसे नशे कर रहा है ताविश भाई आदमी. यार एक बात सुने पहले तो मेहमान बैठे हैं कुछ तरीका होता है स्टेज पे आकर को सलाम दुआ होती है यार. सलाम वालेकुम अस्सलाम दुआ आमीन आमीन. क्या मुद्दा क्या है. हमें ना छोटा सा काम है. आपको बड़ा कैसे हो सकता है. अपने काम से काम रखा करो यार तुम. वही कराओ वही कर रहा हूँ. अच्छा हाँ क्या क्या मुद्दा क्या मुद्दा क्या. काम ये कि यार हमारा ना कॉलेज का ट्रिप जा रहा है. कहाँ घूमने फिरने. नारायण का गान. ठीक है सही है. अब उनकी दो ना कंडीशंस हैं. वाह. एक तो बंदे पांच होने चाहिए. हाँ. कम से कम. और दूसरा फैमिली होनी चाहिए. अब हम दोनों तो भाई हैं. हाँ. अगर आप दोनों भी बहन भाई बन जाते तो बदतमीजी.
हमारे हमारे बहन भाई बन जाते हाँ, तो हम ट्रिप पे जा सकते थे, चार हो जाएंगे, चार हो जाएंगे बिल्कुल। मैं बात करूँ? हाँ तू कर ले यार, मेरी तो सुन नहीं रही। अच्छा आप ही प्लीज हमारी आप ही बन जाए, बहन बन जाए, क्या हुआ अगर हम उसे 14-15 साल बड़ी हैं तो? कुछ नहीं। मैं सब कर लेती लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं प्लीज मान जाए, क्योंकि मेरे बड़े भाई बोल रहे थे इनको मामा बोलना है। मामा बोल, मान जाएंगी मान जाएंगी, 12-13 साल बड़ी हैं, 2 टन छोटी भी तो हैं आपसे। 2 टन? हाँ लेकिन यार पांचवा आदमी कहाँ से लाएंगे हम? अरे हाँ पांचवा आदमी कहाँ से लाएंगे यार? एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प कर सकता हूँ, 5 में हो सकता है। चलो वैसे बात तो ठीक है यार, तो ठीक है, अगर स्क्रिप्ट ना होती ना बहुत लेता। अरे बुड्ढा तो है नहीं। हाँ बुड्ढा नहीं है, मैं निकाल लूंगा, हाँ मुझे चांस तो दो। वो जो पांचवा आदमी है ना, उन्होंने बोला है वो आपका गार्डियन होना चाहिए। यार हम दोनों तो भाई हैं। हाँ वो भी एक्टर्स हैं, वो कर लेंगे। नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा। ऑडिशन ले 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 ले। हाँ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस भाई। हाँ इसका ऑडिशन ले लेते हैं। चले ऐसा कर तू ना, मैम फौजिया बन जा। हाँ हाँ मैम फौजिया नहीं, वो जो बोलती है मैं कनाडा से हूँ शादरे में, वो बन जा, बैठ। ओके जल्दी बैठ शादरे में। आप जो है ना, आप हमारे दादा है। एक्सक्यूज मी, दादी से पूछ लेते एक बार, ये क्या कर रहे हो आप? मैम मैडम फौजिया बन रही हूँ। सेम टू सेम लग रहा है, बैठ जा। ऑडिशन हो रहा है आपका। अच्छा मुझे क्या, बुजुर्ग क्या साल का हूँ मैं? बिल्कुल 60 साल 60 साल में आदमी क्या क्या, सर अंकल 60 साल में क्या क्या हो जाए? एक्सक्यूज मी दादा जान, है कौन हो तुम? मैं मिस फौजिया हूँ आपके, ये दिस इज योर ग्रैंड। अरे मुझसे मिस कैसी हो गई तुम? केयरफुल ओल्ड मैन, दिस इज योर ग्रैंडसन। पोता अश्वाक का छोटा लड़का है, पोता है, व्हाटएवर, पोता और खोता। ओके मैं आपकी ना इसकी 2-3 कंप्लेन बताना चाहती हूँ आपको, प्लीज इसको समझाइए। एक तो ये है, एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज फरमाइए। जब आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, जी जी बिल्कुल, पूरी आ जाती हैं, एडजस्ट करती तो नहीं है आपकी? यार बात सुनो मेरी, हमारी टीचर की इंसल्ट मत करो। अच्छा अच्छा कैरेक्टर में आ जाओ। एक्सक्यूज मी यार, ये क्यों करते हो ऐसे काम, उल्टी सीधी साड़ी भूल जाती तुम्हें। जी प्लीज आपका पता नहीं लेकिन ये पास हो गया। अच्छा दादा जन, इसकी पहली कंप्लेन तो ये है कि ये लड़कियों को रबर के साथ मारता है। एक तो रबर नहीं होता बेटा, इरेजर होता है। व्हाटएवर, अरेज के साथ मारता है। अबे कैसे मारूंगा, वजन देखो भाई का, भाई नहीं जाएंगे मेरे से। अरे वो इरेजर वाली बात कर रही हूँ मैं कोशिश करूंगा ये कोई बेहतर चीज मारे, आपकी शिकायत में दूर कर दूंगा। अरे कितने छिछोरे दादा है तुम्हारे, मुझ पे गए ना। काम की बात कीजिए अपना तर्मा। अच्छा यार के अंदर कोई चीज मोहतरम नहीं है। मेरी बात सुनिए दादा जान, सेकंड कंप्लेन की सुन लीजिए। आप सिर्फ जान कहिए, कट दादा। मेरी बात सुनिए। और क्या सुन रहा हूँ मैं, आपकी बात ही सुन रहा हूँ। इनकी कंप्लेन सुनिए दादा जान। कैमरे में क्या बना रहे हो तुम? कुछ नहीं पकड़ा हुआ यार, वैसे पकड़ा हुआ है, फ्लेक्स मार रहा हूँ, आईफोन है ना। ये आपके जो ये ग्रैंड सन है, पोता व्हाटएवर, ये इसका अपना मुझ शार्पनर जैसा है, और ये सब स्टूडेंट्स के आगे जो पेंसिल का निब होती है खा जाता है। मोहतरमा आप, हम 1966 का वाकया है खाती, बांग्लादेश गालिबन ढाका होगा, चिटागांग कह लीजिए। अच्छा हम किनारे पे बैठे मछली खा रहे थे। अरे वाह, मछली थोड़ी पुरानी थी, तो हुआ ये कि हमारे पेट में कुछ इस कदर वलवला अंगेज हंगामे बर्पा हो गए कि बस लोटा था और हम थे, आना था और जाना था, और 8 दिन बाद जो हमारा मुंह बना बिल्कुल ये था। बन गई अबे बन गई, बन गई। अब ये मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे। यस ताबिश हाशमी विद मथीरा इन हिज 60s। #
स्टिल छिछोरा यस अरे पोस्ट हो गई अबे वायरल हो जाएगा तू वायरल चल रहा काम हो गया अपना यार देखो बात सुनो अबे काम कर बेटा यूजलेस अगले भी छोड़ने आने तो वजह शोहरत ही बन गई है आपकी वो ताबिश हाशमी के साथ दूसरा नाम मेरा नाम ही ताबिश मथी अक्सर लोग मेरे अब्बू को मथीरा अंकल बोलते हैं इन्होंने शेर वाली शर्ट भी छोड़ दी पहनने फौजी आजाद क्लियर करता चलूं उस दिन भी मेरी शेर पे नजर नहीं थी आज भी नहीं है मैं हमेशा से बल्ले का सपोर्टर रहा हूं फौजी आजाद ये था आज का हंसना मनाया उम्मीद आपको पसंद आया होगा भाई ऐसा खूबसूरत कपल बार बार तो आएगा नहीं तो हम इन्हीं में से दो दो एपिसोड निकालेंगे कल फिर एक बार मिलेंगे हिबा बुखारी और आरिज अहमद के साथ कहीं जाइएगा मत बल्कि जाइएगा यार काम वाम कीजिए कोई अच्छा काम कीजिए वापस आइए 11 बजे कल रात मैं मिलूंगा आपको हंसना मनाएंगे